जिस हिसाब ते उस बंदा ने टाइम दिया है, नॉलेज दी है लोगों ते, और उसकी मेहनत करी है ना, उसके हिसाब ते आज के समय में कम से कम 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने थे उसके भाई। दुनिया में जो पहला नंबर पे है नी, वो गाली देकर फेमस है भाई, और भारत में जो पहला नंबर पे है वो भी गाली देकर फेमस है भाई। कहने का मतलब न्यू है, आप गाली देना, गाली सुनना और स्वाद लेना पसंद करते हो। दुनिया में जो 90% चैनल हैं, या तो गाली देकर फेमस है, या दूसरा की बेइज्जती करके फेमस है, या छोरी का जिस्म दिखाकर फेमस है, या अंड कमेंट करके फेमस है भाई। अच्छी चीज कोई नहीं देखता, सिर्फ 10% चैनल जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और जिनके कर्म बहुत ज्यादा तेज थे, जज जाएगा फेमस हुए हैं भाई। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिसने अपनी जिंदगी के 8 साल समर्पित कर दिए यूट्यूब पे, मुश्किल तय टसक मसक के 12 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं भाई। उस भाई के चैनल का नाम है माई स्मार्ट स्पोर्ट और उनका नाम है श्री धर्मेंद्र जी। बहुत ही अच्छे इंसान है भाई। जुन सी वीडियो आप देखा नहीं 6 महीने साल पहला, वह बात तो उस बंदा ने 3 या 4 साल पहला बता ली भाई। यानी यूट्यूब का बादशाह है वो। यूट्यूब की यदि सबसे ज्यादा नॉलेज है ना किसी ने, तो उस बंदा ने है भाई। उस तो ऊपर किसी भाई ने नॉलेज नहीं है यूट्यूब की, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से उस बंदा ने मेहनत करी है भाई। और आज भी प्रोफेशनल वीडियो बनाता है, प्रोफेशनल कैमरा, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, और कई सालों से बनाने लग रहा है। 12 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद व्यू वही 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मसाम है भाई। तम मेरे तो न्यू कहे जाओ हो, प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। उस भाई ने सारे तो जाना है, 12 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, प्रोफेशनल कैमरा, बैकग्राउंड, वोकल पिच सारा सौदा है भाई, और जबरदस्त नॉलेज है उस बंदा ने। फिर भी उसके व्यू 5,000, 10,000 आम है, क्योंकि आप अच्छी चीजें देखना पसंद नहीं करते मेरे भाई, आप देखते हो अंडी कमंडी। और जे ओए बंदा अंड मंडल चाहे दे, छोरी छारी ने चाहे दे, छोरी का जिसम दिखा देना नहीं, ये सब्सक्राइबर उसके 1 करोड़ हो पाते। तो यह बात है मेरे भाई, जो आपके पास साधन है, जो भी सिस्टम है, उसके लिए वीडियो बनाओ, ज्यादा टेंशन ना ले हो भाई। अर्जे नू है भाई, तमने अंड कमंड बनाया गया फेमस होना, तो तोड़े फेमस हो उसको। कहने का मतलब है, कामयाबी के लिए प्रोफेशनल कैमरा बैकग्राउंड मायने नहीं रखते, मायने रखता आपका टैलेंट। टैलेंट प्योर होगा, टेम जरूर लग जा, कामयाब हो गए। अर्जे शॉर्टकट में कामयाब होना, फिर छोरी ने चाहे दो, दूसरा की बेइज्जती कर दो, गाड़ी दे दो, आपका हाथ में है। सारे ऑप्शन आपके पास है, आपकी मर्जी आपने किस तरह कामयाब होना है। तो यह जानकारी देनी बहुत जरूरी थी, बात बतानी बहुत जरूरी थी, कईयों का डाउट हो रहा था न्यू और न्यू प्रोफेशनल का चक्कर में, तो मोटिवेशन देनी थी। ऐसा करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।